नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। और आज देश में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब मामला कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। दरअसल कुछ मलाईदार जो मंत्रालय हैं उसे लेकर दोनों के बीच में गतिरोध जारी है। कल मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यहाँ थे, दिल्ली में थे, और लगातार उन्होंने कुछ नेताओं से मुलाकात भी की है। इससे पहले उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई थी, लेकिन अभी तक गतिरोध बरकरार है। और किसी भी लिहाज से कुछ विशेष मंत्रालयों पर, कुछ विशेष मंत्री पद पर बात बनती नहीं दिख रही है। आपको याद होगा कि कर्नाटक किस तरीके से परिणाम आने के बाद एक सियासी घटनाक्रम जो सबसे बड़ा बड़ा था उसमें फंसता दिख रहा था। उसके बाद किसी तरीके से येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद वो स्थिति थोड़ी सी सामान्य दिखी। कुमारस्वामी ने तुरंत ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इन तमाम बातों के बाद आज कांग्रेस और जेडीएस में गतिरोध लगातार बरकरार है। कुछ मामला वहाँ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। नज़र सबकी बनी हुई है इस पर कि आखिरकार कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कब जाकर कर्नाटक में स्थिति सामान्य होगी। चलिए, नज़र हमारी भी बनी है, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई के 10वीं के नतीजे आज आ चुके हैं और एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई ने एक अहम डेटा इस वक्त जारी किया है। उस डेटा के अनुसार 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो सीबीएसई का ये रिजल्ट बहुत ही शानदार गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार सीबीएसई के जितने भी रिजल्ट आते रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां अव्वल रही हैं। इस बार भी वही हुआ है। पिछले दिनों 12वीं के नतीजे आए थे, उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 499 अंक लेकर टॉपर्स लड़कियां बनी हैं और आज एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है और 10वीं के परिणाम सीबीएसई ने घोषित कर दिए हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। एक खबर है जिससे कांग्रेसी खेमे में थोड़ी सी हलचल है और कांग्रेसी नेता थोड़े से स्तब्ध भी हैं। जी हाँ, वो खबर ये है कि आरएसएस के एक बड़े कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी पहुंचने वाले हैं। और कांग्रेस के तमाम नेता इस लिहाज से परेशान हैं कि आखिरकार कैसे प्रणब मुखर्जी ने इस कार्यक्रम के लिए हाँ कर दी। आपको बता दें कि निमंत्रण पत्र भी जारी हो चुका है। 25 दिन का एक दीक्षांत कार्यक्रम स्वयंसेवकों का लगातार चल रहा है, उसका समापन 7 जून को होना है और इस समापन कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी मौजूद होंगे। कांग्रेस के खेमे में हलचल जरूर है और सवाल भी इस बात का है कि आखिरकार कैसे प्रणब मुखर्जी ने इस बात के लिए हामी भर दी कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि आरएसएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये स्पष्ट भी कर दिया है कि प्रणब मुखर्जी की तरफ से भी उस कार्यक्रम में जो उनको निमंत्रण दिया गया था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। देखना है कि इस खबर के साथ कांग्रेसी खेमे में क्या कुछ और नजर आता है। चलिए, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगली खबर भी आरएसएस से जुड़ी हुई है। आरएसएस और सरकार के कुछ प्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह सहित कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो कि आरएसएस के साथ बैठक करेंगे और तमाम जो पॉलिसीज है, तमाम जो बातचीत है उस पर चर्चा होगी। देखना है कि विपक्षी इस बैठक को कैसे लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 4 साल पूरे होने के बाद अमित शाह ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनमें उन्होंने आंकड़ों के साथ सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। अब किस तरीके की पॉलिसीज आगे काम करनी है इसे लेकर अमित शाह और कुछ बड़े मंत्री आरएसएस के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की यात्रा पर मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर गए हुए हैं। 2 जून को वापस लौटेंगे। विदेश यात्रा का जो मकसद है वो निश्चित तौर पर अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक जो समझ है उसे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने दोस्तों की गिनती को बढ़ाते रहना। वैसे ये तीनों ही देश हमेशा से भारत के पक्ष में रहे हैं और जिस लिहाज से प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है निश्चित ही कई सारे समझौतों पर भी चर्चा हो सकती है। तो इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी खबरें यहीं खत्म होती हैं। आपको बता दें कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक क्लिक के जरिए आप तक देश की बड़ी खबरें पहुँचाएँ और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा अच्छा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।